आज हम आपको बताने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पगड़ी पहनी थी वो उनको किसने दी थी। बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी रही ये पगड़ी। मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पगड़ी को औपचारिक रूप से पसंद किया था। उन्होंने इस बार गुजरात के जामनगर की ये खास पगड़ी पहनी थी। गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी की पगड़ी आकर्षण का केंद्र बनी रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे की बात करें तो अक्सर अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। फिर चाहे विदेश यात्रा के दौरान पहनी गई पोशाक हो या फिर किसी खास कार्यक्रम के दौरान उनका लुक हर किसी को आकर्षित कर ही जाता है। इसी तरह से एक बार फिर नरेंद्र मोदी सुर्खियां बटोर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभय सिंह स्वागत करता हूँ अपने इस नए वीडियो में। और वो भी अपनी पगड़ी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं जिसे उन्होंने गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पहना था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मोदी अपनी पगड़ी को लेकर इतनी सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले भी गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्होंने बंधनी पहनकर सबको हैरान कर दिया था। पिछले साल उन्होंने बंधनी पहनी थी जो कमर तक थी। केसरिया रंग की पगड़ी में पीला रंग भी समाहित था। इस बार फिर गणतंत्र दिवस की परेड पर श्री नरेंद्र मोदी खास तरह की पगड़ी में नजर आए। उन्होंने जामनगर के लाल रंग की एक खास पगड़ी पहनी थी जिसे जामनगर के शाही परिवार ने उन्हें तोहफे में दिया था। लाल रंग की इस हलारी पगड़ी पर पीले रंग की बूटियों का डिजाइन था। इस मौके पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक कुर्ता पैजामा के साथ जैकेट और कंधे पर शॉल डाल रखी थी। प्रधानमंत्री का ये स्टाइल हर किसी को बेहद पसंद आया। आपको उनका ये स्टाइल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।